आपका स्वागत है बजट की खास पेशकश पे, और हमारे साथ बजट की बारीकियों को समझने के लिए हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा सर, और साथ ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंता नागेश्वरन सर। संजय सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि हम बिज़नेस चैनल हैं सर, एक बड़ी जो आपने एक बड़ा डिसीज़न लिया, ऑल्दो एक एक्सपेक्टेशन थी कि आप कहीं ना कहीं FNO को कर्व करने के लिए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें उसके लिए आप कुछ ना कुछ टैक्सेशन पार्ट पे करेंगे, लेकिन सर आपने जो LTCG जो 10% से 12.5 बढ़ाया और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से 20% किया, तो क्या सर हम ये समझें इस बात से कि आने वाले समय में इक्विटी जो है वो बाकी एसेट्स क्लास के एट पार हो जाएगा ऑन टैक्सेशन फ्रंट सर? नहीं, एट पार तो नहीं समझना चाहिए, क्योंकि विश्व भर में और हमारे भारत में भी इक्विटी के ऊपर में टैक्सेशन और जो अन्य प्रकार की जो इनकम है जिसके अंदर में वेतन है, बिजनेस इनकम है, उनके कर के दरों में और इन दरों में बहुत फ़र्क हर जगह पे रहता है। लेकिन ये जो अंतर है वो हमारे देश में ज़्यादा था, और इसका जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो टैक्स है ये अधिकतर जो अधिक संपन्न लोग हैं, जो हमने एक अध्ययन किया, आपको मैं बताऊं, वर्ष 22-23 में जो हमारे को कैपिटल गेन से जो टैक्स प्राप्त हुआ उसका 88% भाग 15 लाख रुपए की वार्षिक आय से अधिक वाले लोगों ने दिया, और 1 करोड़ से अधिक आमदन वाले लोगों ने करीबन 61% ये टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हमारे को दिया। तो ये जो एक बहुत बड़ा जो अंतर है उसको अंतर कम किया गया है, लेकिन अंतर रहेगा क्योंकि ये निवेश हेतु बहुत ज़रूरी है और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है कि इसके ऊपर में दर कम रहे, लेकिन चूँकि फासला बहुत अधिक था इसलिए उसको थोड़ा सा कम करने का ये प्रयास है। लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण जो प्रयास है जो आपने जिसके ऊपर में आप सभी लोगों ने ध्यान जरूर दिया होगा, लेकिन मैं वापस से आपका ध्यान इंगित करना चाहूँगा, और जो कमेंट्री भी आ रही थी विश्लेषकों की कि हमारा जो कैपिटल गेन्स टैक्स रेट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, किसी में 1 वर्ष की होल्डिंग पीरियड है लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए, किसी में 2 वर्ष, किसी में 3 वर्ष रेट, किसी में 10% है, किसी में 20% विद इंडेक्सेशन है, किसी में 20% विदाउट इंडेक्सेशन है। इस सबको आपने देखा कि हमने बहुत ही सिंपल कर दिया। वो हमारा मुख्य प्रयास यही था कि लोगों को मालूम रहे कि टैक्स रेट क्या है, सिंपल रखें तो उससे हमारे टैक्सों में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार के जो विवाद होते हैं, जो मुकदमेबाजी होती है, उसमें कमी। बिल्कुल सर, सर मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि यू आर द फर्स्ट वन जो हु हाईलाइटेड अबाउट द FNO ट्रेडिंग स्पेकुलेशन, आई नो इन CII और सम फिकी इवेंट सर। तो सर आपको लगता है जो ये टैक्सेशन का जो डिसीज़न लिया गया है वो जो हम एक रिस्क जो मान रहे हैं, आप सिस्टमेटिक रिस्क कभी नहीं मान रहे हैं FNO के अंदर इन्वेस्टमेंट का, लेकिन फिर भी आप रिस्क मान रहे हैं हाउस होल्ड स्कीम सेविंग्स का, वो कहीं ना कहीं मिटिगेट हो पाएगा, उस पर थोड़ा सा एक ये कहें कि अंकुश लग पाएगा? सी आई थिंक वेदर द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इंक्रीज इटसेल्फ वुड एड्रेस दिस इश्यू, द आंसर इज परहैप्स नॉट, बट मेनी ऑफ दीज मेजर्स आर इम्पॉर्टेंट नॉट फॉर द एक्चुअल मॉनिटरी इम्प्लीकेशन बट फॉर द सिग्नल इट सेंस दैट दिस इज एन एरिया विच इज़ नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द इन्वेस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, मोर देन द मॉनिटरी इम्प्लीकेशन ऑफ द सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज द सिग्नल एंड द वार्निंग इट कम्स विद इट, दैट इज लाइकली टू बी मोर इफेक्टिव, बट आई एम श्योर इट हैज टू बी बैक्ड अप बाई अदर मेजर्स। एंड बाय द वे, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज बींग डन टू एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, बट इफ एनीथिंग इट इज प्रिसाइसली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द investor that you know he or she is being discouraged from undertaking activities which are statistically proven to be unprofitable for them, and make them choose those kinds of investment options that will actually deliver them the returns that they want. Sir, ek taraf aapne tax badhaya lekin aapne middle class ko ek rahat di hai, aur kafi lambe samay se sir is rahat ki umeed kar rahe the, sir kitna tax outgo hoga
और ये जो टैक्स आउटगो होगा आप कहाँ से रिकवर करेंगे, क्योंकि आपने दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो है वो भी 4.9 है। नहीं, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये राहत बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे ये कहना शायद उचित नहीं है, क्योंकि पिछले ही वित्तीय वर्ष में हमने जो नई टैक्स प्रणाली है आपको मालूम है उसके अंदर में हमने बहुत रियायत दी थी। उस रियायत की वजह से आज के दिन में जो नतीजा हम देख रहे हैं नई टैक्स प्रणाली में 68% लोग शिफ्ट किए, वो इसीलिए शिफ्ट किए क्योंकि हमने उनको रियायत दी। कितनी रियायत दी? 15 लाख, 15.5 लाख रुपए से ऊपर आय वालों के लिए अधिकतम 37,500 रुपये तक का कर में हमने छूट दिया। वो पिछले ही वित्तीय वर्ष की बात है, वो बहुत दूर की नहीं। बात नहीं है। तो ये कहना कि बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे वो शायद उचित नहीं है। ये जो रियायत दी गई है उसी प्रकार से नवीन टैक्स प्रणाली में पुनः दोबारा से इसमें ही दी गई है, और 17,500 रुपये तक का लाभ जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा वो लोगों को मिल सकता है अधिकतम। कहाँ से इसकी भरपाई होगी? कई सारे इसके अंदर में उपाय हमने किए हैं, वैसे कई प्रकार की आय भी भारत सरकार को प्राप्त हुई है, जैसा कि आपको मालूम है आरबीआई ने भी एक डिविडेंड दिया है तो उससे भी इसका कुछ भरपाई जो है इससे होगी। उसी प्रकार से हमने बायबैक टैक्स, एसटीटी आपने बताया, बायबैक टैक्स को हमने जो है अब शेयर होल्डर के ऊपर में हम लेके गए हैं, वहाँ से भी कुछ टैक्स आएगा। एलटीसीजी आपने बताया, वहाँ पे भी जो है कुछ बढ़ोतरी जो है मामूली बढ़ोतरी वहाँ पे भी होगी, तो उन सब से मिला करके कुछ भरपाई हो पाएगी। लेकिन फिर भी जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा 7,000 करोड़ रुपये का समस्त जो टैक्स संबंधी राजस्व संबंधी जो प्रस्ताव है उनसे नुकसान होगा। सर, इंटरिम बजट में आपने गोल्ड सिल्वर पे टैक्स बढ़ाया था सर 10 to 15? नहीं, इंटरिम में हमने नहीं बढ़ाया, हमने इंटरिम में नहीं बढ़ाया था। ये करीबन वर्ष 2022 में हमने बढ़ाया। तो उसके बाद सर अब आपने 6% कर दिया, एग्रीकल्चर सेस भी आपने सर कम कर दिया, 5 से घटाकर 1% कर दिया। क्या रैशनल लगता है सर, क्योंकि एक दूसरी तरह से आपका कैड पे भी तो इसका इम्पैक्ट आएगा सर? ये कोविड के बाद में जब फॉरेन एक्सचेंज हमारे बहुत कम हो गए थे, 600 से कम, 550 बिलियन डॉलर से भी कम हो चुके थे, उस वक्त ये एक स्टेप लिया गया था कि हम उसको बढ़ाएं ताकि जो है हमारे कैड के ऊपर में कमी। और आज हम देख रहे हैं कि कैड हमारा जो है काफ़ी एक रीजनेबल दर के ऊपर में है, तो उसमें हमारे को संतोष है। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये हमारा एक जेम्स एंड ज्वेलरी का जो हमारा क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इससे करीब करीब 50 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं, और 8% जो हमारा निर्यात है, 8% निर्यात इसी क्षेत्र से आता है, तो वो भी हमारे को फॉरेन एक्सचेंज में मदद करता है। तो रोजगार और निर्यात को ध्यान में रखते हुए इसकी दरों में हमने कटौती की। सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, रियल एस्टेट का जो आपने इंडेक्सेशन हटाया सर, वो एक बार हमारे दर्शकों के लिए आप बता दीजिए किस तरीके से हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसको लेकर काफ़ी एक कन्फ्यूज़न चल रहा है। नहीं देखिए, ये जो मुख्यतः जो मैंने कहा ये सरलीकरण का विषय है, किसी में इंडेक्सेशन है किसी में इंडेक्सेशन नहीं था, रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन था तो रेट भी 20% थी, तो अब हमने जो है इंडेक्सेशन हटाया है तो दर लेकिन हमने 20% से घटा करके हमने 12.5% कर दिया, तो सभी एसेट क्लासेस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है, कुछ कतिपय को छोड़ के जो डेट म्यूचुअल फंड्स इत्यादि हैं जो कि निवेश हमें हम जो डेट ओरिएंटेड जो निवेश है उनको छोड़ते हुए हमने 12.5% की एक समान दर हमने कर दी, और इससे कई लोगों को लाभ भी होगा जो रियल एस्टेट में है, जो जहाँ पे रियल एस्टेट की जो रिटर्न है वो 12% या उससे अधिक सालाना आ रही है उनके टैक्स की दर में कमी होगी, और कुछ लोगों को निश्चित रूप से जैसा आपने कहा, लेकिन वो बहुत कम संख्या में ऐसे लोग होंगे। रियल एस्टेट बढ़ता है तो देखिए आपको मालूम है कि वो काफ़ी अच्छा जो है छलांग लगाता है। दूसरी चीज़, 2001 तक जो इंडेक्सेशन है वो लाभ रहेगा, तो अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी 2001 से पहले की आपने क्रय की हुई है तो उसमें इंडेक्सेशन सुरक्षित।
सर, तो आपको लगता है इससे जो हाउस होल्ड इनकम है जो आज मेजर्स लिए गए, स्पेशली जो बैंकिंग सेक्टर जो एक कंसर्न दिखा रहा है कि डिपॉजिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ हेल्प मिल पाएगी? एब्सोल्युटली, आई मीन नॉट ओनली द डायरेक्ट टैक्स मेजर्स व्हिच पुट मोर डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द पीपल थ्रू द रिडक्शन इन द रेट्स फॉर इन द न्यू टैक्स स्लैब सिस्टम, the reduction in the increase in the standard deduction, etc. But also you must note that the schemes that have been announced for first time jobs in manufacturing or additional job creation, all the three schemes put together, to the extent that they are going to create a positive effect on employment generation, there is an income effect and there is a savings effect for the household. So in that respect, these three schemes are not just for employment generation but also for income growth and therefore for consumption growth. So there will be a huge fillip to both income and consumption. Thanks for joining Zee Business, sir. Thanks for giving time to us, sir. Thank you, sir.